पहले की वीडियो में दिखाई थी, काफी मस्त हो रखी थी, और कल ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई, सारा बर्बादी कर दिया। रास्ते की कंडीशन चार चार टूट गया। तो चलिए फिर एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और कल की बारिश ने ना पूरा नुकसान ही कर दिया भाई, जितनी भी मतलब मिर्च वगैरह थी, गोभी, यार ये गोभी मैंने इससे पहले की वीडियो में दिखाई थी, काफ़ी मस्त हो रखी थी, और कल ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई, सारा बर्बादी कर दिया। देखो रास्ते की कंडीशन भयंकर हो रखी भाई। बाकी पहले मस्तूरा की अगर मैं बात करूँ तो मस्तूरा पे देवरिया गेस्ट हाउस, और उसके बाद लगभग लगभग यहाँ पे नहीं भी होंगे तो करीबन 8 या 10 होटल्स वगैरह बन चुके हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह कैफे वगैरह बहुत सारे हैं। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल में। चलो रे, पे ना गर्म और ठंडा पानी दोनों चीजें ना मिक्सअप होके आ जाता है। अगर कोई बच्चे को जैसे तबीयत वगैरह ख़राब है या बुखार वगैरह कुछ भी है तो वो हॉट वाटर ले सकता है, ताकि उसकी तबीयत ना बिल्कुल मेंटेन रहे। बाकी इसको नीचे तक जाता है फिर। बाकी ये है अपनी जेआईसी स्कूल, जेआईसी दड़ा, और हम लोगों ने भी ना इधर ही से पास आउट किया है। वैसे मतलब जिस टाइम पे हम लोगों ने पास आउट किया उस टाइम पे यहाँ पे ना बिल्कुल एक छोटी सी छत थी इस टाइप की। बाकी अभी यहाँ पे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग वैसे बन चुकी है, और लगभग इसको बने हुए लगभग ऐसे ही हो रहा है 1-2 साल हो रहे, पर हम लोगों ने लगभग पास आउट किया था 2012 में, तो तब से तो खैर अब काफ़ी चेंजिंग आ गया। ये वाली बिल्डिंग मतलब इसी टाइप से और इससे भी पुरानी थी जब यहाँ पर हमने पास आउट किया था। और बाकी ये 5 ग्राम सभाओं की स्कूल है, जैसे आपका दड़ा हो गया, कांडा हो गया, उड्डो हो गया, उसाड़ा हो गया, सारी हो गया, और करोकी हो गया। तो 5 ग्राम सभाओं के बच्चे ना यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। बाकी जो ये प्योरीफाई फिल्टर लगाया, ये लगाया है जो ग्राम सभा देड़ा के प्रधान हैं योगी ने भी उन्हें लगवाए हैं, और वो वैसे मेरे भाई भी हैं। तो बाकी अभी यार मैं भी निकलता हूँ घर की ओर, घर की क्या पहले तो दुकान पे जाना है मुझे, फिर वहीं पे मिलता हूँ। बाकी अपना स्कूल का जो पुराना रास्ता था ना वो यही था, और इस रास्ते से मोस्टली
जैसे करोके हो गया या पापड़ी वाले, दिल में सारी वाले तो खैर कम ही आते थे इस रास्ते पे, तो जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो गए। गोभी वगैरह लगाई हुई थी वो पूरी ना बर्बाद हो चुकी है, और ये देखो पूरी फसल ऑलमोस्ट बर्बाद तो हो ही चुकी है। तो दिल डेली चल रहा मैं जलानी, मैं अभी पहुंच चुका हूं घर पे। और आज तो अभी सुबह के टाइम पे भी अभी भी एक मस्त वाली धूप लगी है, बाकी शाम का कुछ पता नहीं कि शाम को ना मतलब कितनी बारिश हो जाए, क्योंकि कल भी ऐसे ही था, सिर्फ काले काले बादल आने शुरू हो चुके हैं, यानी कि शाम के टाइम पे भी ना थोड़ा बहुत बारिश होगी या पता नहीं कितनी होती है वो पता नहीं। बाकी ये छोटू छोटू हाय हाय, अरे को भाई मेहंदी लगा रही है, गोलू है सुहास है छोटू। तो दीदी को क्यों नहीं दे रहा? और ये वाली जो मिर्च है ये भी इसलिए बची हुई है कि इसमें ना मतलब इन्होंने इसको ढक दिया था, तो तब जाके थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी इधर देख के कुछ लग नहीं रहा, अगर ये यहाँ होती तो कुछ बचता नहीं। बाकी यार खाना खाते हैं, ये खाने में है अरहर की दाल, चावल है और बाकी मिर्च वगैरह हो गए। क्या क्या हो गया, क्या चाहिए, क्या चाहिए बता बताना। चार्जर टूट गया, चार कम नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा? बाकी यार सिवान जा रहा है आज अपने ननियाल, और मैंने ऐसे ही जस्ट मजाक किया ना, कोई लोग वहाँ पे जा रहे थे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि वहाँ पे नानी लोग चले गए, और वो सीधे रोने बैठ गया। एक ये है, क्या कर रहा है पहले बता, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है पहले बता। साढ़े तीन हो चुका है और मेरी तैयारी भी हो रही है दुकान जाने की। बाकी सिवान जा रहा है अपने नानी के यहाँ, और लगभग सुबह से लगा हुआ था कि यार मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ, नानी के यहाँ जा रहा हूँ, तो हमने कहा चलो जाओ। बाकी ये तीनों लोग तो घर ही पे हैं। अंशिका का भी एक YouTube चैनल है और वो है अंशिका पहाड़ी के नाम से, बाकी उस पर ना लगभग 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से 5000 कीजिए। बाकी ये लोग अभी सुवांश को नीचे तक ना उसके नानी लोग आ रहे हैं तो वहाँ तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, वहीं तक जा रहे हैं सुवांश को छोड़ने के लिए। भाई नहीं कर रहा, ये देखो भाई भाई नहीं कर रहा, ये नानी के यहाँ जा रहा है, और वैसे गर्मियाँ की छुट्टियाँ पड़ ही गई, बाकी ये दोनों तो इधर ही हैं, ये जा रहा है सिर्फ। बाकी ठीक है भाई तू मत कर, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मेरी तैयारी भी घर जाने की हो चुकी है, और आज का दिन छोड़ के लगभग पर डे शाम के टाइम पे ना बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। कल तो इतनी भयंकर हुई कि ओले वगैरह ना पूरे मतलब ऐसा हो गया था कि घर जाना मुश्किल हो गया था। बाकी यार अभी ऑलमोस्ट 7 बजने वाला है, बाकी मेरी तैयारी भी घर की है, बाकी यार घर पर चलते हैं, बाकी छोटू को देखते हैं अभी छोटू क्या कर रहा है। छोटू छोटू क्या कर रहे हैं, ये है आपका सेकंड डे। और जैसे ही मैं रात के टाइम पे घर पे पहुंचा ना, फिर मतलब थोड़ा थक भी गया था, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाया था। बाकी यार मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।